देखो आज जो जन जागरण अभियान है वो परम आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूरा कांग्रेस पार्टी के समाज ने जिस तरीके दे नाल आदेश दिते ने कि 14 तो लैके 19 तरीक तक 29 तरीक तक जन जागरण अभियान है जेड़ा वो जिथे हिंदुस्तान किया जा रहा उत्थे हरियाणे दे विच परम आदरणीय कुमारी शैलजा जी उन्होंने आदेश अनुसार अज का जो जन जागरण अभियान है सिरसा हल्के का बेगू पिंड है जिहड़ा अज बेगू पिंड दे विच बहुत ही सत्कारयोग जिम्मेवार साथी कार्यकर्ता साथियों ने सिरसा इकाई और बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों ने जिस तरीके दे नाल अज जन जागरण अभियान है जिहड़ा शुरू किया तो मैं समझांगा कि यह एक सरकार नूं चेताउण दा कम कीता है क्योंकि यह जन जागरण अभियान है जिहड़ा महंगाई के खिलाफ है बेरोजगारी के खिलाफ है और बख बख तरीके दे नाल जिस तरीके दे नाल किसानां दी गल है और जो भी रे खाद की गल है अज हिंदुस्तान दे विच हर एक वर्ग दुखी है तो उस नूं लैके जिस तरीके दे नाल कांग्रेस पार्टी ने यह जन जागरण अभियान चलाया तो उस तहत अज असीं अज बेगू पिंड दे विच आ के और घर घर गली गली जाके जन जागरण अभियान नूं एक न्योता दिता है सरकार नूं एक चेतावनी दिती है कि सरकार वधदी महंगाई ते और बेरोज़गारी और बहुत सारिया जिहड़ियां समस्या है लोगों दीआं किसान दी समस्या है उन्हों हल करे ता कि साडे देश दे विच साडे प्रदेश दे विच साडी स्टेट दे विच एक अच्छा मैसेज आवे जिस दे नाल आम जन मानस है जिहड़ा उह खुशी रहे। विपक्ष का काम होना मुद्दा उठाउणा ये तो पता है सानू कि यह सरकार है जिहड़ी जदों तो बनी है उदों तो किसी की सुनी नहीं लेकिन हुण मोदी ने घुटने टेकने पे किसान वाले मुद्दे ते हाँ हुण तो सब कुछ ही करनगे उन्होंने पता लग गया कि जिहड़े पिछे 29 विधानसभा के चुनाव होए ने उन्हां चों एक भी उन्हां दा मैंबर नहीं बन के गया इस करके उन्होंने पता लग गया कि 2022 का चुनाव है जिहड़ा 5 स्टेटां च हो रहा उहदे च उन्हां दी हालत बहुत भैड़ी होनी है इसे करके ही उन्होंने किसानों तो माफ़ी भी मंगी है और तिने कृषि कानून है जिहड़ा वो कल कैबिनेट दे विच उन्होंने पास भी किए उन्होंने खारज भी करने का काम किया तो जो अगे समस्या है किसानों ने जो अगे समस्या रखी है 5-6 समस्या हो रही मैं चाहवागा कि वह भी उन्होंने पूरी होता साडा किसान दिल्ली तो उठ के अपने घर वाल आवे। बिल्कुल 29 तरीक तक है जो अभियान है 14 तो लेके 29 तरीक तक हर हल्के हर पिंडां दे विच जाके जिथे जिथे भी कोई प्रभारी लाएगा जिस तरह यहाँ इतों के प्रभारी ने जोड़े अपने अपने हिसार तो उन्होंने लाया गया किसी कारण अज उन्होंने इतने ना आ सके तो इस करके गर्ग साहब तो इस करके मैनू फतेहाबाद का प्रभारी लाया तो उन्होंने मैनू कहा कि तू जाके उसकी डील करना। कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो एक देशव्यापी जन जागरण अभियान शुरुआत की गई थी 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर उसके तहत सिरसा विधानसभा क्षेत्र के गांव बेगू में आज इस अभियान की शुरुआत की गई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही ये कहती आई है कि भी ये जो देश की सरकार है मोदी सरकार है या प्रदेश में खट्टर सरकार है ये एक पूंजीपतियों की सरकार है किसान गरीब मजदूर विरोधी सरकार है और इसके आज ये आंकड़ा भी एक साबित हो गया कि देश के अंदर जो कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा कर्जाऊ व्यापारी था अडानी वो आज मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़कर एशिया के अंदर नंबर 1 का व्यापारी बन चुका है जो कि मोदी जी का मित्र है। तो ये सरकार अपने निजी मित्र है जो मोदी जी के उनको फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी को पीछे धकेलने का काम कर रही है। आज गैस के भाव देख लो पेट्रोल डीजल के भाव देख लो 100 से ऊपर पार हो गई जो किसान की जरूरत डीजल है गैस है गरीब महिलाओं है आज घर में चूल्हा जलाने भी की मुश्किल हो रही है। तो इस सरकार ने आटा दाल और इस सरकार ने रेत से लेके रेल से लेके आसमान पानी सब बेचने का काम किया है सारी जो देश की संपत्ति थी उसको बेचने का अपने मित्रों का काम किया है जी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जनहित की आवाज़ उठाई है और जनहित की आवाज़ उठाना कोई गुना है तो वो गुना हम बार बार करेंगे। कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ है और जो ये अभियान चलाया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया गया है भाई ये जो प्रदेश की सरकार है ये सरकार व्यापारी विरोधी आज ये कहते भी गैस की सब्सिडी बहाल कर दी पेट्रोल के दाम हमने 12-15 रुपये कम कर दिए ये सरकार जो आने वाले 5 विधानसभा प्रदेशों में चुनाव होने हैं उसमें अपनी हार को देख के ओवर कृषि कानून एक साल तक तो किसानों की सुनी नहीं उस टाइम तो किसानों को आतंकवादी पाकिस्तानी खालिस्तान का समर्थक बताते थे और आज इन्होंने एक साल के अंदर किसानों का बिल वापिस ले लिया 750 जो किसान मरे हैं
अब मोदी जी कहते हैं भी मैं किसानों से माफ़ी मांगता हूं, तो हमारी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि मोदी जी सबसे पहले माफ़ी उन परिवारों से मांगे जिनके 750 किसान शहीद हुए हैं। मोदी जी ने माफ़ी मांगनी है तो उन गरीब मजदूर आदमी से मांगे जो एक साल से व्यापार चौपट होने के कारण वो बेघर हो गया है, उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। आज हरेक आदमी का परेशान है, किसी का स्कूल बंद हो गया, किसी की दुकानें बंद होगी। इस सरकार ने सिर्फ अडानी को फायदा पहुँचाने के लिए ये कृषि कानून लाया था और उसका साबित हो गया कि आज अडानी है जो एशिया में सबसे नंबर वन पर आ गया, आज के न्यूज़पेपरों में है भी, उसने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। सर आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? कांग्रेस पार्टी 29 तारीख तक ये अभियान चलाएगी और हाईकमान द्वारा हमारी दिल्ली रैली भी किसानों के समर्थन में की जा रही है, जिसकी घोषणा जल्दी डेट की हो जाएगी, उसमें भी हम सरसा की जनता है जो बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। ठीक है सर। आज महंगाई के खिलाफ, मोदी टैक्स के खिलाफ, भाजपा की लूट के खिलाफ आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश अनुसार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन शैलजा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के अंदर 15 दिन के लिए पूरे देश के अंदर एक जन जागरण अभियान की शुरुआत की हुई है कि इस भाजपा सरकार ने ना तो किसी गरीब को बख्शा है, ना व्यापारी को बख्शा और ना किसान को बख्शा। हर आदमी त्राही माम कर रहा है, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए महात्मा गांधी के अहिंसा दांडी यात्रा की तरह गांव-गांव में, शहर के कोने कोने में जन जागरण के माध्यम से जनता को आह्वान किया जा रहा है कि इस मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इस सरकार को जगाने का काम करें ताकि महंगाई कम की जा सके, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जा सकें, रसोई गैस जो महिलाएं जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं वो कम हो, सब्जियों के दाम कम हो। जब पेट्रोल डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम कम होंगे तो सभी चीज़ों के दाम कम होंगे। आज उस मांग को लेकर के लोगों को जगाने के लिए कांग्रेस सरसा इकाई ने गांव बेगू, जो बहुत बड़ा शहर के साथ लगता हुआ गांव है, उस गांव के अंदर एक हमने अभियान पदयात्रा डांडी यात्रा के माध्यम से शुरुआत की है और ये शुरुआत प्रत्येक हलके के गांव के अंदर ये जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों को जगाएंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे ताकि ये सरकार जल्दी से जल्दी गरीब मजदूर किसान व्यापारी की आवाज़ को सुने और उसका निवारण करें।